होगा रावण दहन और ये पुतला बनकर तैयार हो चुका है। 70 फीट लंबा आप देख सकते हैं, ये चेहरा है और ये निचला हिस्सा है और कारीगरों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी शिद्दत के साथ ये पुतले बनाए हैं। मूछें आप देख सकते हैं रावण की तैयार है, आप देख सकते हैं मेघनाथ का पुतला है और अब कारीगर इस पर जुटे हुए हैं। शाम तक ये पुतला खड़ा करना है और इस बार रंग बदल दिए गए हैं, मेघनाथ के पुतले को केसरिया रंग दिया गया। नाक में क्या इस्तेमाल करते हैं, मुंह में क्या इस्तेमाल करते हैं, बस ये तो हम सारी बांस की कलाकारी से करते हैं, हमारा बांस की कलाकारी है सारी, है बांस की कलाकारी है। ये मूछे भी बांस से बनाई गई हैं, सारी बांस से बनाई हुई। लंकापति नरेश थे तो ताज बनाया गया है और उस ताज से भी आग निकलेगी। इसी तरीके से ये रावण का पुतला है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये मेघनाथ का पुतला है। देख सकते हैं मेघनाथ का पुतला है और अब कारीगर इस पर जुटे हुए हैं। शाम तक ये पुतला खड़ा करना है और इस बार रंग बदल दिए गए हैं, मेघनाथ के पुतले को केसरिया रंग दिया गया है। मेघनाथ के पुतले को बात की जाए तो नीला रंग दिया गया है और रावण के पुतले को दिया गया है काला रंग और शरीर जो है अब सिर के साथ जुड़ चुका है, रस्सियों से बांधा जा रहा है और शाम को इस पुतले को खड़ा कर दिया जाएगा। गंगों से राशिद भाई और उनकी पूरी टीम पिछले 20 सालों से लगातार पुतला बना रही है, मेहनत का काम है, बड़ी शिद्दत के साथ बड़ी बारीकी के साथ ये काम किया जाता है। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से वो पुतले बनाते रहेंगे। तो कल होगा रावण दहन और ये पुतला बनकर तैयार हो चुका है। 70 फीट लंबा आप देख सकते हैं, ये चेहरा है और ये निचला हिस्सा है और कारीगरों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी शिद्दत के साथ ये पुतले बनाए हैं। मूछें आप देख सकते हैं रावण की तैयार है, 10 सिर भी लगेंगे और खासियत इस बार क्या है, खासियत बता देते हैं रावण के पुतले की। जो ये रावण का पुतला है उसके मुंह से आग निकलेगी, आप देख सकते हैं उसकी भी तैयारी कर ली गई है, साथ ही साथ आंखों से भी आग निकलेंगी, दोनों आंखें और दोनों से निकलेगी आग। और तीसरी खासियत ये आप ताज देख सकते हैं रावण का, लंकापति नरेश थे तो ताज बनाया गया है और उस ताज से भी आग निकलेगी। इसी तरीके से ये रावण का पुतला है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये मेघनाथ का पुतला है और मेघनाथ उनके बेटे थे, पहले मेघनाथ ने लक्ष्मण का जो है लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था और उसके बाद संजीवनी बूटी भगवान हनुमान लेकर आए और जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए उसके बाद उन्हें होश आया और उसके बाद वध हुआ मेघनाथ का और रावण का वध भगवान श्री राम ने किया। और तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जो कलाकार हैं वो कल आएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कारीगर से जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ बड़ी शिद्दत के साथ ये पूरा जो रावण है, रावण का पुतला है, मेघनाथ का पुतला है, कुंभकर्ण का पुतला वो बनाया। क्या खासियत इस बार लेकर आ रहे हो, कैसी उम्मीद है, पब्लिक पूरी जोरों शोरों से आएगी? खासियत तो ये है कि मुंह से आग निकलवाएंगे हम इसके जी, आंखों से आग निकलवाएंगे और ताज से आतिशबाजी निकलवाएंगे इसके जी, ये खासियत है। कितने फिट का बनाया है इस बार और क्या तीनों पुतले बनाए हैं? तीनों पुतले, एक रावण 65 फुट का बनाया है, 60 फुट 66 फुट के ये बनाए हैं छोटे वाले। अच्छा, 65 और 60 फुट के। हाँ जी। अच्छा, और कहाँ पर ये लंका दहन होगा? लंका दहन भी बना रहे हैं अलग से, जो हर बार जिसमें पटाखे बजते हैं वो भी लंका दहन भी बना रहे हैं। लंका दहन भी बना रहे हैं जी। तो कब से लगे हुए थे, कितने दिन हो गए थे? हमें 1 महीना लगा हुआ है इन पे। 1 महीना हो गया, तकरीबन 15 आदमी लगे हुए हैं। 15 आदमी लगे हुए हैं, तो कहीं और के भी बनाए हैं, किसी और शहर के, आस पास के, नीलोखेड़ी तरावड़ी और आस पास के गाँव के भी बनाए हैं हमने जी। तकरीबन 15 पुतले बनाए हैं हमने जी। कब से आप इस फील्ड में हैं? आप शायद हर साल आप ही आते हैं फील्ड में, तो तकरीबन हमें 20 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। 20 साल हो गए हैं। हाँ जी, 20 साल हमें आते थे हो गए बनाते थे यहाँ के रहा। तो पूरी मेहनत लगी है? हाँ जी, पूरी मेहनत लगी है, पूरी मेहनत लगी है। तो किस तरीके से ये तैयार होता है कुछ बताएं, क्या इन मूछों में क्या इस्तेमाल करते हैं आप, नाक में क्या इस्तेमाल करते हैं, मुंह में क्या इस्तेमाल करते हैं? बस ये तो हम सारी बांस की कलाकारी से करते हैं, हमारा बांस की कलाकारी है सारी, है बांस की कलाकारी है।
ये मूछें भी बांस से बनाई गई हैं, सारी बांस से बनाई हुई हैं, सारी बांस से बनाई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं रावण का पुतला यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। 15 कारीगर पिछले एक महीने से लगे हुए हैं, जो करनाल, नीलोखेड़ी और आसपास इंद्री, तरावड़ी, वहाँ के पुतले बना रहे हैं। आपको बता दें कि जो रावण का पुतला है वो 65 फुट का है, और खासियत ये है कि ताज से आग निकलेगी, मुंह से आग निकलेगी, आंखों से आग निकलेगी। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हैं। करनाल से ही हैं भैया आप, पता चला तस्वीर लेने आ गए? हाँ जी, हाँ जी, बस पता लगा था तो आ रहे। कल भी आएंगे दशहरा देखने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आएंगे, कल भी आएंगे, बिल्कुल कल भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दशहरा ग्राउंड सजकर तैयार है, और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कल शाम करीब 4 बजे यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जब सूरज डूब रहा होगा तब होगा लंका दहन, और उसके साथ साथ रावण के पुतले में आग लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं ये तैयारी चारों तरफ आप देख रहे हैं। कल झांकियां भी निकलेंगी, झांकियां यहां पर पहुंचेंगी, पब्लिक की भीड़ होगी। दो पुतले हमने आपको दिखा दिए, ये रावण का पुतला है, उधर मेघनाथ का पुतला है। मेघनाथ का पुतला 60 फुट का है, रावण का पुतला 65 फुट का है, और कुंभकर्ण का पुतला जो रावण के भाई थे उनका पुतला भी 60 फुट का बनाया गया है। और रामलीला से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, भगवान श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कल अहंकार पर जीत होगी भगवान श्री राम की, और सत्य जीत हासिल करेगा असत्य पर, बुराई पर जीत होगी अच्छाई की। और ये रावण का पुतला, मेघनाथ का पुतला और कुंभकर्ण का पुतला बनकर तैयार है। बड़ी शिद्दत के साथ कलाकार इसे बनाते हैं, और फिर इसका दहन किया जाता है। कल रावण दहन यानी कि दशहरा है, विजयदशमी का त्यौहार है। आप इस त्यौहार को बड़ी खूबसूरती के साथ मनाएं। पुतले बनकर तैयार हो गए हैं, कल झांकियां निकलेंगी, और उसके बाद शाम के वक्त ये पुतला दहन किया जाएगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, और परिवार के साथ आएं, हल्ला हू ज़्यादा ना करें, और इस विजयदशमी के त्यौहार का आनंद उठाएं। अभी भी काम जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि इसमें पटाखे भी भरे जाएंगे, आतिशबाजी भी भरी जाएगी। मुंह में जो जिससे आग निकलनी है वो तैयार कर लिया गया है, आंखों से जो आग निकलनी है वो तैयार कर लिया गया है, और ताज से इस बार आतिशबाजी निकलने वाली है। और ये है रावण के बाकी सिर जो बांस की कलाकारी से, पोस्टर की कलाकारी से यहाँ पर बनाए गए हैं। आप आए नमस्ते चौक के पास, दशहरा ग्राउंड है, यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।